हाय एवरीवन, मैं हूँ मीरा महाजन। आज मैं आपको बताऊंगी टैरो कार्ड के जरिए जून का महीना आपका कैसा जाने वाला है, क्या होगा, कैसा महसूस करेंगे एंड व्हाट टू डू। एरीज, आपके लिए जून के महीने के लिए कार्ड आता है न्यू विजन। दिस कार्ड इंडिकेट्स दिस मंथ यू आर गोइंग टू गेट न्यू अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ टू राइज एंड फ्लाई इन द स्काई ऑफ सक्सेस। आपका नजरिया जीवन की कठिनाइयों को देखने का बदलेगा। काम में या जीवन में सोच का और इनपुट्स का दायरा भी बढ़ेगा, यानी यू विल कवर न्यू डायमेंशंस। क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं आप समझ पाएंगे। यू विल ऑल्सो गेट टू नो योर रूट्स और उससे जुड़े रहेंगे। चाहे जितना ऊंचा उठ जाएं आप, यू विल स्टिल रिमेन अटैच टू योर रूट्स। मॉडेस्ट एंड हम्बल बने रहेंगे आप। इट्स टाइम फॉर न्यू होप्स, न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू रिलेशंस एंड न्यू पर्सपेक्टिव्स दिस मंथ। टॉरस, वृषभ राशि, आप लोगों के लिए जून के महीने का कार्ड आता है द राइटनेस। ये कार्ड इशारा करता है no special preparation or effort on your part is required this month. It's simply the right time to attain the fruits of your past good karma. जिस भी पौधे को आपने लगाया था, जिसे इतने साल सींचा था, उससे फल मिलने का टाइम आ गया है। चाहे बात हो काम की या रिश्तों की, प्यार की, आपको इस महीने गुड रिजल्ट्स मिलेंगे विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट। सम फाइनेंशियल स्कीम ऑल्सो कैन गेट मैच्योर्ड, अटकी कोई पेमेंट भी मिल सकती है और कैन गेट न्यू डील्स एंड ऑर्डर्स टू। ऑल्सो अगर संतान सुख की कामना है तो मिलेगी इस महीने गुड न्यूज। जेमिनी यानी मिथुन राशि, आपके लिए जून के महीने का कार्ड आता है ब्रेक थ्रू। ये कार्ड बताता है आप थक गए हैं वही ओल्ड पैटर्न्स फॉलो करते करते या कुछ रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन के साथ जीते जीते, खुद को बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो करना सही हो या गलत, बट यू वॉन्ट टू डू, यू फील इनफ इज इनफ। ऑल्दो देर इज अ रिस्क एज इट कुड रिजल्ट इन अ ब्रेक डाउन और अ ब्रेक थ्रू, बट दिस कार्ड सेज मोर चांसेस ऑफ ब्रेक थ्रू आर देयर। So go ahead, you will feel more energetic and happy and lively this month. याद रखें, सुबह तक पहुंचने के लिए रात से गुजरना पड़ता है और जितनी पास सुबह आती है अंधेरा उतना ही गहरा हो जाता है। So don't be afraid, don't lose hope, as problem से बाहर जल्द निकल पाएंगे आप। It's time to break old pains, old patterns and burdens and celebrate new life. कैंसर, आपके लिए जून के महीने का कार्ड आता है पेशेंस। दिस कार्ड रिमाइंड्स इट्स टाइम व्हेन द ओनली थिंग टू डू इज टू वेट। बी पेशेंट एंड नॉट टू हरी और डोंट बी एंग्शियस एंड रेस्टलेस। अपना बेस्ट करें, बाकी ईश्वर पर छोड़ दें। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। सो वेट फॉर योर टाइम एंड टर्न। जल्दी आपको कुछ खास और नया मिलेगा एंड यू विल रीच वेयर एवर यू आर मेंट टू बी। जो भी उतार चढ़ाव जिंदगी में चल रहे हैं उनका सामना कामली करें एंड अकॉर्डिंगली अपना इनपुट डालते चले। रिमेंबर यू हैड टू गो थ्रू दिस फेज, इट वॉज डेस्टाइंड, बट सून यू विल गेट समथिंग सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट दैट विल चेंज योर लाइफ। So get ready for the happiness coming your way. Leo, आपके लिए जून के महीने का कार्ड आता है द मास्टर। दिस कार्ड डिपिक्ट्स वेरियस थिंग्स। वन, दिस मंथ यू विल मास्टर द थिंग्स द पर्सुएट्स यू वर वर्किंग फॉर। बखूबी परफॉर्म करेंगे आप। सेकेंडली, इट टेल्स यू आपने अपने को कम नहीं समझना है। जैसा एक कैटरपिलर को पता नहीं होता है कि वो बटरफ्लाई बन सकता है, वैसे ही आप अनअवेयर हैं। बट द ट्रूथ इज यू हैव द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू ग्रो। ओनली दैट रियलाइजेशन इज नीडेड दैट देयर इज अ मास्टर हिडन इन यू। आपको बस उसे तराशना है। ऑल्सो ये भी हो सकता है कि आपको कोई इन्फ्लुएंशियल या नॉलेजेबल व्यक्ति मिले जिसे मास्टर बना लें आप और उसकी लाइट में आपको मिले कामयाबी।
So this month, either you will become the master wherein you will attract others, or you will find a master who will guide you. वर्गो, आपके लिए जून के महीने का कार्ड आता है द गिल्ट. गिल्ट इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इमोशन इन विच वी कैन गेट कॉट. अगर आपसे कोई गलती हो गई है या आपसे अपने नॉर्म्स, अपनी सच्चाई में चूक हो गई है तो लाजमी है बुरा फील करना. बट किसी भी गिल्ट में फंसे नहीं, उसे अपने पर हावी ना होने दे, सरदर्द का कारण ना बनने दे, बल्कि उससे सीख लेकर आगे बढ़े. नथिंग कैन बी अनडन. जो हो गया सो हो गया, इट्स ओके. हर किसी से गलती होती है कभी ना कभी. सो गिल्ट के भंवर में डूबने की बजाय यूज द लेसन नॉट टू मेक द सेम मिस्टेक अगेन, एल्स आप जीवन की खुशियां एंजॉय नहीं कर पाएंगे. कम आउट ऑफ सेल्फ डाउट एंड फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस. यू कैन डू बेटर डाउन द लाइन. हैप्पीनेस इज अवेटिंग यू. यू जस्ट लेट गो द बर्डन्स ऑन गोइंग इन योर माइंड. एज विथ फ्री माइंड यू विल डू योर बेस्ट एंड कैन गेट द बेस्ट. लिब्रा, आपके लिए जून के महीने का कार्ड आता है प्रोजेक्शंस. This card advises you to come out of projections created by your own mind. बात हो किसी सिचुएशन की, काम की, रिलेशनशिप की या व्यक्ति की. आप वही देख रहे हैं, वही नजरिया रख रहे हैं जो आपका खुद का माइंड दिखाना चाहता है और जिसमें शायद सच्चाई नहीं है. ये प्रोजेक्शन अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है, बट स्टिल नॉट द ट्रूथ. अपनी जजमेंट्स एंड अजम्पशंस को हटाएं एंड बिकम मोर अवेयर एंड क्लियर, ताकि कोई धोखा ना हो. यानी जो प्रॉफिट या प्यार दिख रहा है वो भ्रम हो सकता है, या कोई सही व्यक्ति या काम जिसको आप गलत समझ रहे हैं वो गलत नहीं है बल्कि सही है, और वो छूट रहा है आपसे या खराब हो रहा है. आपने अपने नजरिए को हटाकर सच्चाई देखने की कोशिश करनी है इस महीने. इसी कोशिश से कर पाएंगे इस महीने अपना फायदा. स्कॉर्पियो, आपके लिए जून का कार्ड आता है ऑर्डिनरीनेस. दिस कार्ड टेल्स दिस मंथ इज द टाइम टू टेक थिंग्स easily and simply one step at a time. आपको ज्यादा brilliant, clever और extraordinary होने की जरूरत नहीं है, ना ही अपने दोस्तों या social circle में खुद को unique या star दिखाने की कोशिश करें. Rather, this month keep an ordinary approach to situation which come your way. अपने माइंड को किसी रिवॉर्ड या रिकॉग्निशन के स्ट्रेस में ना फंसने दें. जो भी करें पूरे मन से रिलैक्स्ड होके करें, प्रेशर नहीं बल्कि प्यार की भावना के साथ करें. आपको पीस एंड हैप्पीनेस तब मिल पाएगी एंड देन यू विल फील डिलाइटेड एंड फुलफिल्ड. सो दिस मंथ छोटे छोटे कामों में, बातों में, ऑर्डिनरी सिचुएशन में खुशी ढूंढें. और हाँ, कोई ऑर्डिनरी सा दिखता इंसान भी आपका फायदा इस महीने करवा सकता है. सो डोंट इग्नोर ऑर्डिनरी थिंग्स एंड पर्संस इन योर लाइफ दिस मंथ. सैगिटेरियस, आपके लिए जून के महीने का कार्ड आता है क्लिंगिंग टू द पास्ट. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन लाइफ आर नॉट जस्ट टेंसेस ऑफ टाइम बट ऑफ योर माइंड टू. और ये कार्ड इशारा करता है आपका माइंड पास्ट में क्लिंग कर रहा है. अच्छा या बुरा जो बीत गया सो बीत गया, उसका बोझ अपने दिमाग से हटाएं और समझ से आगे बढ़ें, तभी ग्रो कर पाएंगे आप. डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. नीदर क्लिंग टू द पास्ट एंड नॉट इवन टू द फ्यूचर. रैदर प्रेजेंट में खुश होना है तो आज क्या है, आज क्या कर सकते हैं आप, इसी बात पर सिर्फ फोकस करें टू बी हैप्पी. साथ ही बात हो रिश्तों की, काम की, दोनों सिचुएशंस में आपने क्या किया है, क्या कहा है, किसी ने क्या किया है, क्या कहा है, इन स्ट्रेसेस से आपको बाहर निकलना है, ऐसा ये कार्ड कह रहा है. कैप्रिकॉर्न, आपके लिए जून के महीने का कार्ड आता है पोस्टपोनमेंट. दिस कार्ड टेल्स कोई डिसीजन, कोई काम या कोई एक्शन है जिसे आप पोस्टपोन कर रहे हैं. अभी के लिए चीजों को टाल रहे हैं कि कल सोचूंगा या कल से करूंगा. याद रखें, जो लोग चीजें पोस्टपोन करते हैं ना, उनका कल कभी नहीं आता. और जितनी लेट करेंगे आप, उतनी लेट आपको रिजल्ट्स मिलेंगे.
और अगर लगा कुछ चेंजेस करने हैं, सीइंग द रिजल्ट्स, वो फिर फर्दर लेट हो जाएगा. हेंस टाइम टू रीच एट द टॉप ऑफ समथिंग और टू अटेन वॉट यू वॉन्ट विल इंक्रीज. सो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू पोस्टपोन थिंग्स, बी इट इन वर्क, डाइट, रिलेशंस, स्टडीज, मैरिज, अपनी तरफ से गो अहेड. साथ ही ये कार्ड इशारा करता है कोई डील, पेमेंट या कोई सुख या कोई सक्सेस जिसके मिलने का इंतजार था वो डिले हो सकती है इस महीने, लेकिन विद योर राइडियस एफर्ट्स देर से ही सही मिलेगी जरूर. सो डोंट सिट एंड वेट, स्टार्ट पुटिंग इन इनपुट्स एंड एफर्ट्स. एक्वेरियस, आपके लिए जून के महीने का कार्ड आता है एग्जिस्टेंस. दिस कार्ड रिमाइंड्स योर एग्जिस्टेंस इज इम्पॉर्टेंट. संबंधों में या काम में जो भी हर्डल्स आ रहे हैं उन्हें आप ही इनिशिएटिव लेकर सवार सकते हैं. सो डू टेक इनिशिएटिव. यू कैन गेट ट्रिमेंडस लव फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, जस्ट दैट आपको अपने नेगेटिव थॉट्स अबाउट सम पर्सन और सिचुएशन ड्रॉप करने हैं. याद रखें, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता और ये बात औरों को भी रियलाइज होगी इस महीने. Then you will feel happy and fulfilled by knowing your value. कि आप कितने जरूरी और important हैं सबके लिए. So this month आपको special feel कराया जाएगा और मिलती care आपको खुशी देगी. And work front पे अपनी किसी imagination को, plan को existence में लाने का, साकार करने का time है. Pisces, आपके लिए कार्ड आता है द लवर्स. आपके लिए तो जून के महीने में लव इज इन द एयर. ये कार्ड ये भी कहता है, इस बात को समझे कि सच्ची मोहब्बत किसी की तमन्ना रखना, किसी की जरूरत होना नहीं है, बल्कि प्यार बांटने और शेयर करने में है. When your love is not asking for something in return, but it is only ready to give, that is true love. इस अंडरस्टैंडिंग एंड एटीट्यूड के साथ योर लव कैन रीच हाइट्स ऑफ कंपैशन. सिंगल है तो प्यार देगा दस्तक इस महीने, ऑलरेडी इन लव तो गहराएंगे संबंध. और बात काम या पढ़ाई की करें तो ये कार्ड इशारा करता है जिस भी चीज या काम से प्यार है वो आपको मिल सकती है, बस शिद्दत बनाए रखनी है. दिस मंथ प्यार देंगे तो लव विल रिफ्लेक्ट बैक टू यू फ्रॉम अदर्स टू, और आपका मन, आपका ध्यान ज्यादा प्यार की ओर झुकाव करने वाला है. यानी कुछ भी करने वाले हैं आप, आपका माइंड इस महीने डाइवर्टेड रहेगा प्यार की ओर.